सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब फैमिली गाइस। ओप्पो रेनो 8 सीरीज के रिलेटेड काफी बड़ी लीक्स निकल कर सामने आई इन चाइनीज वेबसाइट से हमें मिली है। ओप्पो रेनो 8 एंड 8 प्रो फिलहाल ये दो स्मार्टफोन्स होंगे। ओप्पो रेनो 8 प्रो है, इसकी कैसी लुक होने वाली है, क्या वाकई ये वाला फोन हमें बॉक्सी डिजाइन कैरी करेगा, क्या कोई स्पेसिफिकेशन हमें कैरी करने वाला है, तो ऑल डिटेल निकल कर सामने आ चुकी है। इस बार ओप्पो की इस सीरीज में काफी हद तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड सोनी का कस्टम सेंसर IMX 766 यूज किया जाएगा। सेल्फी के अंदर भी सोनी का कस्टम सेंसर IMX 709 को यूज किया जाएगा। इस डिवाइसेस के डिजाइन्स के बारे में जो लीक्स हमें मिली हैं, सो OnePlus 10 Pro और OnePlus 10R, तो 98% तक का जो चांसेस हैं वो OnePlus 10R जैसा है। OnePlus 10R के अंदर भी हमें एक बॉक्सी डिजाइन देखने को मिल जाता है जो काफी ज्यादा एक प्रीमियम सी लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि इस डिजाइन में होना चाहिए OnePlus 10 Pro या फिर OnePlus 10R में, कमेंट में लाजमी बताइए। इस बार 120 हर्ट्ज फ्लैट OLED पैनल होगा जो कि 6.78 इंचेस का है, जो कि फिलहाल HDR 10 प्लस को सपोर्ट करती है, और साथ ही में 30Hz एपी ब्राइटनेस और ऊपर से ग्रिड लगा 5 का प्रोटेक्शन। ऐसा डिस्प्ले डेंसिटी 415 पिक्सल पर इंच होगी जो कि फिलहाल फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी। बट द साइड ऑफ द पैनल 5 कैमरा कट ऑफ इन 32 मेगापिक्सल सेल्फ शूटर कैमरा लेंस। एंड डिजाइन स्ट्रक्चर को देखे कैमरा सेंसर के अंदर काफी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। बैक ऑफ ट्रिप पर ये कैमरा सेटअप जिसमें मेरा 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 866 सेंसर के OIS बेस्ड होगा, और साथ ही में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। द कैमरा सेंसर फॉर स्पेशलिस्ट नाइट फोटोग्राफी यूजर्स, साथ ही में इसके मेन कैमरा की हेल्प से 4K 90fps इन अल्ट्रा स्लो मोशंस एंड OIS बेस्ड वीडियो और फोटो को कैप्चर किया जा सकता है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइसेस कैरी करेगा इन कलर वाइज के स्टेबल अपडेट के ऊपर, जिसमें आप काफी सारे मेजर चेंजिंग कर सकते हो, और ये बेस्ड होगा एंड्रॉइड 12 के ऊपर। आई थिंक स्मार्टफोन विद अ ग्रेट CPU एंड GPU कॉम्बिनेशन एंड अ ग्राफिक रेंडर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक ऑक्टा कोर चिपसेट है जो कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ आएगा। 4 नैनोमीटर बेस फैब्रिकेशन के साथ बनी हुई है, और इससे कोई भी हाइंड ग्राफिक्स 2.4 GHz के एंड क्लॉक स्पीड के ऊपर इजीली रेंडर कर सकते हैं। और ये वाला चिपसेट किसी भी नॉर्मल 5G फोन से इन 40% मोर पावर एफिशिएंट एनर्जी एबल है, जो कि बैटरी कम कंज्यूम करेगा और परफॉर्मेंस आपको हाई लेवल की रेंडर करेगा। और इसीलिए इस डिवाइस में इस बार 5000mAh mAh की बैटरी ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से हो सकता है, जो कि काफी हद तक फास्ट एंड एक्यूरेट वर्क करेगा। फिलहाल ये थी स्पेसिफिकेशंस ओप्पो रेनो 8 प्रो की चाइनीज वेबसाइट पर जो हमें लीक्स के थ्रू मिली है। लॉन्चिंग को लेकर बात करें तो अभी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक। ऐसे कोई नई लीक्स मिलती है ओप्पो रेनो 8 सीरीज के रिलेटेड तो जरूर गाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।